किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का असर नवादा में भी देखने को मिल रहा है, जहां विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के सद्भावना चौक को जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान एक साल से आंदोलनरत हैं। इसी आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आज भारत बंद किया गया। इस बंद को लेकर नवादा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के सद्भावना चौक पर कार्यकर्ता हाथों में झंडे बैनर के साथ सड़क जाम कर रखे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलनरत किसानों से वार्ता करने की मांग की है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार अडानी और अंबानी के इशारे पर चलती है और इसी वजह से सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। छात्र आज बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इन सभी मांगों को लेकर आज भारत बंद किया गया है। खेती के लिए तीनों कृषि काला कानून बनाया गया है, सरकार इसको फौरन वापस ले। प्रस्तावित बिजली बिल जो 2020 का है इसको वापस ले और MSP को कानूनी दर्जा दे। शर्म कोर्ट जो चार कानून जो लेबरों के लिए बनाए गए हैं इनको वापस ले। इनके आंदोलनों को जो हक छीना गया है इनको वापस ले, नहीं तो हम यह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब सीधी लड़ाई यह सरकार बनाम कॉरपोरेट घराने से हो गई है। यह सरकार जो है मोदी की सरकार जो है किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों के लिए नहीं है, बल्कि यह कॉरपोरेट घरानों के लिए है। और ऐसी सरकार को अब हिंदुस्तान में बने रहने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसी प्रधानमंत्री इस देश को आज़ादी के इतने बाद भी नहीं मिला है। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, तमाम भारतवासियों से अपील करना चाहेंगे कि किसान जो 10 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, इनकी मांग को सरकार मान ले, नहीं तो ये सरकार को हम बंगाल की खाड़ी में दफना देंगे। हम अखिल भारतीय किसान महासभा के सह संयोजक जिला के मेंबर हैं जगदीश चौहान। क्या मांग है आप लोग का? आज हिंदुस्तान के पैमाने पर ऐतिहासिक हड़ताल, 10 महीने से दिल्ली के 7 बॉर्डरों पर लाखों किसान बैठे हुए हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा किसानों ने वहां पे शहीद हुए हैं, वहां पर शहीद हो गए हैं। लेकिन यह सरकार, अंधेरी सरकार, बाहरी सरकार, कुंवरी सरकार, जो किसानों के प्रतिनिधियों से जिसे बात करके देश के हित में इसे खत्म कराना चाहिए था, लेकिन नहीं करा के यह किसानों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। हम किसान संयुक्त किसान सभा के आह्वान पर आज नवादा को बंद का आह्वान दिया है और उसी बंद के आह्वान पर आज हम प्रजातंत्र चौक पर खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि यह आंदोलन लंबा खींचने की है, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ खालिस्तानियों का नहीं है, पंजाबियों का नहीं है, यह किसान पूरे हिंदुस्तान का है। यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का है और जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को लगातार करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। जब तक के अगर नहीं मानी सरकार तो हम इसे गद्दी से उठा कर फेंकेंगे। दानी विद्यार्थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय किसान समाज, नवादा।